हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमोदा किचन। हम सबको ठेले पर की चाट बहुत पसंद होती है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठेले स्टाइल की चाट। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पहले पीला मटर लिया है और इसे हमने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। तो अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें अपने सारे मटर को हम डाल देंगे। मटर डालने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। हम यहाँ पे 2 आलू लिए हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे, और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे हमने कट करके डाल दिया है, और साथ ही हरी मिर्च डाला है। अब हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले से डाली है इसलिए, और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और यहाँ पर 1 गिलास पानी डालेंगे और अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, मतलब जितना कि मटर हमारा डूब जाए उतना हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगने देंगे। 3 से 4 सीटी लग चुकी है और हमारा जो चाट है वो बनकर रेडी है। और हाँ, हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो हमने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच से लहसुन का पेस्ट भी डाला है। तो ये हमारा जो मटर है वो अच्छी तरह पक चुका है और हमारा चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम कलछुल की मदद से जितने भी आलू डालें उसे हम मैश कर देंगे ताकि हमारा चाट जो है वो गाढ़ा हो जाए। तो ये चाट अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि हम ठेले स्टाइल में चाट बना रहे हैं तो उसके लिए सर्व भी ठेले स्टाइल में ही करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक डोना लिया है और एक समोसा लेके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम जो हमने चाट बनाया था वो चाट को डालेंगे। और चाट डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच इमली का पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मीठी चटनी, 1 चम्मच खट्टी चटनी, 1 से 2 चम्मच दही, दही डालने के बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, हमने यहाँ पे धनिया और जीरा पाउडर को भून के रखा था तो वो हम डालेंगे, 1 चम्मच काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल बारीक कटे प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ता। ये सब डालने के बाद ऊपर से हम ढेर सारा सेव भुजिया डालेंगे। और ये लीजिए, हमारा जो ठेले पर का चटपटा सा चाट, समोसा चाट बनकर तैयार है। तो अभी अपने घर पे से एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।